ऐसे में दक्षिण का जो ये दुर्ग है वो भी हासिल करना, वो कितना यहाँ पर मुश्किल है या आसान है, ये मैं अनिला सिंह आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि 370 का अगर आंकड़ा पार करना है तो दक्षिण को तो साधना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाना पड़ेगा। कहाँ देख रही है बीजेपी अपने आप को दक्षिण में? मेरी सबको राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मैं दक्षिण भारत की बात करती हूं तो भारतीय संस्कृति परंपरा का एक मजबूत छाप जो मिलती है वो हमें दक्षिण भारत में बिल्कुल दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय संस्कृति परंपरा को मानने जानने पहचानने वाला राजनीतिक दल है। तमिलनाडु की अगर मैं बात कर लेती हूँ, वहां पे तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो निरंतर सनातन का अपमान कर रहा है, और उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी है। उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले कौन है? कम्युनिस्ट है। तो दक्षिण भारत को भी अभी समझ में आ जाना चाहिए कि आपका जो इतना प्रोग्रेस है, इतना डेवलपमेंट है, वो इसीलिए आज का नहीं है, हमेशा से है, परंतु और ज्यादा अगर आगे बढ़ रहा है तो केंद्र सरकार जिस प्रकार से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चाहे वो IT हब्स बनाने में, कोई भी कुछ भी मदद चाहिए होती है, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर आपके साथ, आपने अपने आप को खड़ा पाया होगा। तो अब जो आप कह रहे हो कि फोकस, डेफिनेटली हम राजनीति करने के लिए आए हैं, राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हमें सत्ता में रहना है, जहां से जितनी ज्यादा सीट हमें मिल सकती है हम उतनी ज्यादा सीट लेंगे। आज दक्षिण भारत में जिस प्रकार की एक परंपरा चल पड़ी है उसको रोक लगाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भारत क्या है, भारतीयता क्या है, सनातन क्या है, वो समाप्त हो रहा है, उसको हमें पकड़ कर रखना, वो पकड़ कर रखेंगे। इसी तरह के कुछ इसी तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उठाए थे, रिजल्ट हमने देखा, आपके हाथ से वो राज्य चला गया। तेलंगाना को आप बाद में दक्षिण का द्वार बताने लगे, वहां पर भी जी सुनिए, तो दक्षिण में कांग्रेस को लोकसभा लड़ाने के लिए कैंडिडेट्स कायदे के नहीं मिल रहे हैं, वहां की जनता पहचान के झूठे वायदे कर करके ये लोग आ गए, चाहे हिमाचल में आ गए हो, चाहे वो कर्नाटका में आ गए हो, सच्चाई इनकी सामने आ चुकी है। और सत्यता यही है, भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री की अभी आवश्यकता है। आज अमेरिका से लेके रूस तक, जापान से लेके चीन तक, आप किसी भी देश को छू लीजिए, भारत को नकार नहीं सकते। अर्थव्यवस्था की ये लोग बात करते हैं, मैं तो हमेशा एकदम से चुनौती देती हूं, बात करूं, मैं बात करूंगी UPA वर्सेस ये 10 साल का हमारा NDA, और मैं दिखा दूंगी किस प्रकार से इस देश को इन लोगों ने डुबोया है, बारंबार डुबोया है। तो इन बातों से मैं कतई गुरेज नहीं कर रही हूं, लेकिन बात अगर हम दक्षिण भारत की कर रहे हैं, अगर उत्तर भारत में आप मजबूत हैं तो दक्षिण भारत में आपके मुकाबले कांग्रेस मजबूत दिख रही है, दो राज्य उसके हाथ में है, आप कहां हैं? नहीं, दक्षिण भारत में मैं कहूंगी जी, दक्षिण नहीं, देखिए कल हम थे, आज कांग्रेस है कर्नाटक में, दक्षिण भारत में डेफिनेटली मैं ये कहूंगी जो रीजनल पार्टीज है उनका बहुत बड़ा रोल है वहां, परंतु आप देखो कि नए संसद में अगर सम्मान और पहचान किसी ने दिलाई, संगोल की किसने दिलाई? नरेंद्र मोदी जी ने ना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, दक्षिण के जो इतने प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पहले के प्रधानमंत्री जाने से बचा करते थे, कौन गया? नरेंद्र मोदी जी ना। तो आप विकास और आस्था, इसका अगर राइट बैलेंस देखना है तो केवल और केवल एक ही नेता है, वो है नरेंद्र मोदी। उसी के नेतृत्व में पूरा भारत वर्ष, वो हमेशा कहते हैं मेरा परिवार 140 करोड़ भारतवासी, उसका भी अपमान इन लोगों ने किया है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि भैया भारत क्या है। आपको बस मैं 10 सेकंड दीजिएगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, फिर आप दूसरे पैनलिस्ट के पास चले जाइएगा। हम जानते हैं कि भारतवर्ष जो है ना वो राजा भरत के नाम पर, जब राजा भरत को अपना उत्तराधिकारी चुनना था, उसके 9 पुत्र थे। हाँ, वो ऋषि कांड के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं किसको उत्तराधिकारी पसंद करूं, उन्होने कहा कि तुम राजा हो, तुम महाराजा हो, तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारा परिवार है, जो तुम्हें सबसे उचित लगेगा उस परिवार में से एक चुन लो। तो राजा भरत ने 9 पुत्रों में से अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना, ठीक है? तो ये चरित्र है भारतवर्ष का। तो जो लोग भारत को ही नहीं समझते हैं, इंडिया के गाने गाते हैं, तो वो कुछ ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जो हमारी भारत की परंपरा और संस्कृति को जाने पहचाने और माने। ठीक है।